वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज इंटरेस्टेड इन यू रोमांटिकली। तो कौन जो है आप में इंटरेस्टेड है रोमांटिकली, क्या फीलिंग्स है, क्या फील करते हैं, या कोई है भी या नहीं है, कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी हम देखेंगे। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को इन्जॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ रहा है द फूल, ओके, एक्वेरियस एनर्जी है, नॉर्थ नोड हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आपके पीछे जो है मतलब आप में इंटरेस्टेड काफ़ी लोग हैं या कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे। अब आप कहोगे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इतने सुंदर भी नहीं हूँ या मैं मुझ में ये क्वालिटीज़ भी नहीं है, लोग मेरे लिए क्यों ऐसे करेंगे। बट आपको ये चीज़ नहीं पता है, यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ लोग जो हैं जो अपोजिट जेंडर है आपके आपसे, तो वो जो है आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? पहली चीज़, आप में जो है एक बोल्डनेस है, आप डरते नहीं हो, करेजियस पर्सन हो। दूसरी चीज़ है आपके अंदर चाइल्ड लाइक क्वालिटी एग्जिस्ट करती है, आप जो है वो ऐसी बातें नहीं करते हो कि मतलब इमेच्योर नहीं हो, किसी भी तरीके से वाइज पर्सन हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो बचपना है वो आपके अंदर अच्छा से दिखता है या आपकी खुशी को छलकता हुआ दिखता है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो फोर ऑफ सॉर्ड्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप एक हील हुए पर्सन हो या फिर जो है एक स्पिरिचुअली जो है एसेंशन है, एक कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअली कैसे बोलूँ मैं, एनलाइटेंड पर्सन हो, पूरी तरीके से नहीं लेकिन काफ़ी हद तक हो, जो लोगों से आपको अलग बनाता है। तो इस वजह से जो है लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, प्लस वो आपकी लाइफ में इसलिए आना चाहते हैं कि सीखना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप इतने खुश कैसे रहते हो तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, अभी मैं एग्जैक्टली आंसर भी दूंगी आपको। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, नेक्स्ट आ रहा है डेविल, ओके। थोड़े गलत लोगों से भी बचना है जिनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, या फिर ऐसे लोगों से जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो ब्राइट एनर्जी है, उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, चूसना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फाइव ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द चेरियट और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स। इन सबको क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ मैं। आपने कुछ लोगों को पीछे छोड़ा है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है कि जिन लोगों ने आपसे जो है वो झूठ बोला हो या काफ़ी कुछ छुपाया हो, वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। एक डर है उनके मन में कि आप जो है किसी को सच बता दोगे, अब कुछ भी हुआ हो, एक स्पेसिफिक जो है यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, तो वो लोग भी जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं कि वो जो है चाहते हैं कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप होगा तो आप उनकी सच्चाई किसी को नहीं बताओगे, समथिंग लाइक दैट। बट आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, शैडो वर्क भी यहाँ पर हुआ है। ये एनर्जी जो है या रीडिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उलझी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ और कार्ड्स भी निकाल रही हूँ मैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आया, फोर ऑफ कप्स आया, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है और नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स आया, ओके। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। पहला वो पर्सन है जो भी जेंडर हो कि जिससे जो है आपने कभी कोशिश करी हो रिलेशनशिप में आने की, या आप उस पर्सन को लाइक करते थे और इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया या भाव नहीं दिया और फिर जो है आप उससे दूर हो गए, तो ये पर्सन जो आपको देखना चाहते हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब उन्हें आपकी वर्थ पता चल रही है, वैल्यू पता चल रही है कि आप एक सॉलिड इंसान हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे फाइनेंशियल चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके पास जो है वो ये क्वालिटीज़ हैं। दूसरे वो इंसान हैं जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो है वो आपके पास एक अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए आ रहे हैं कि हम अगर इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं या दोस्ती में आ जाते हैं तो ये पर्सन मेरे जो है वो राज नहीं खोलेगा, तो ये भी चीज़ है। और तीसरे लोग वो भी हैं जो आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं। तो यहाँ पे दो लोग मतलबी हो गए हैं, बहुत अजीब सी रीडिंग आई है अब की बारी,
दो लोग मतलब ही हो गए कि अपने स्वार्थ के कारण आ गए हैं, ठीक है, और एक इंसान जो है वो आपसे बिल्कुल अलग तरीके से आपकी क्वालिटीज़ के लिए आना चाहते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, आपको चूज़ करना है क्या है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट देख लेते हैं टेम्परेंस। तो ये वही एनर्जी है जैसे मैंने कहा कि आपके लिए जो दो स्वार्थ से आ रहे हैं, एक इंसान वो जो आपका एक्स है जिसने आपको हर्ट किया, वो वापस आना चाहता है, ठीक है, तो आपको बेवकूफ़ी नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए आना चाहते हैं कि मेरा जो है यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, तो मुझे जो है ये नहीं बोलेगा या बोलेगी या जो भी हो, तो उस पर्सन के पास भी आपको नहीं जाना है। तीसरा पर्सन जो है, जो भी जेंडर हो, वो जो है आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी क्वालिटीज़ को समझते हैं, आपकी पेशेंस को समझते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं, आपसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और रिस्पेक्ट जो है वो सिर्फ दिखावे वाली नहीं है, मन से रिस्पेक्ट करते हैं, उस पर्सन के साथ आपको जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आंसर भी एक तरीके से दे रही हूँ क्योंकि ये रीडिंग जो है वो काफ़ी कह सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी आई है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्लियर आंसर यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके पास तीन प्रपोज़ल आ सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि यार एक तो मिल नहीं रहा, यहाँ पे ये तीन बोल रही हैं, तो जो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, कोई फ्लर्ट कर रहा है, कोई जो है ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो, कोई जो है अपने गलती की करी हुई की माफ़ी मांगना चाहता है, तो ये आपको मतलब दिखेगा, इंट्यूशन आपकी कहेगी कि ये इंसान मेरे लिए सही है और ये जो है किसी मतलब से नहीं आ रहा है, ये मेरी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट कर पा रहा है, तो उस पर्सन के पास आपको जाना चाहिए और ये मौका आएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप इस समय बिल्कुल सिंगल हो और आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैम तो ऐसे ही कह रहे हैं और ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो तीन रिश्ते भी आ सकते हैं अरेंज मैरिज के, ठीक है, सोचना है, समझना है, फिर लेना है डिसीजन, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ, ये एनर्जी यहाँ पर है कि आपको जो है अपने परिवार वालों के साथ भी जो है ये चीज़ चाहे रीडिंग उन्हें दिखा देना कि यहाँ पे दो लोग मतलब से आएंगे, कोई पैसे के लिए आएगा, कोई जो है वो किसी और चीज़ के लिए आ सकता है, लेकिन तीसरा इंसान जो है वो आपकी क्वालिटीज़ पे आ रहा है, ठीक है, बेशक उसके पास थोड़ा पैसा कम हो या कुछ और जो है ऊपर नीचे हो सकता है जो आपके क्राइटेरिया हो, लेकिन वो आपको अप्रिशिएट करेगा, ये बात समझ के देखना। एक इंसान जो है वो मान लीजिए दो करोड़ कमा रहा है, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, दो करोड़ कमा रहा है, तो उसको समझ नहीं आएगी 40,000 वाले की तनख्वाह, ठीक है, लेकिन अगर एक इंसान जो है वो 1 या 1.5 लाख या 75,000 या 1 लाख तक के बीच में कमा रहा है, तो उसे 40,000 की वर्थ होगी। तो इस तरीके से जो है सोचना और समझना और फिर डिसीजन लेना। तो स्पेसिफिक चीज़ आई है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो, लेकिन स्पेसिफिक मैसेज था, कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं कि क्या आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे जो है आपके लिए आ रहा है करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विद करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, डरना नहीं है, अपने करेज के साथ आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट आ रहा है फ्रुएशन, रेस्ट अश्योर योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रुएशन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मैग्निफिकेंस, यू आर अमेजिंग, मैग्निफिशेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर इनफ, तो आप अपने आप में इनफ हो। और लास्ट में आ रहा है विजडम, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड योर स्पिरिचुअल लाइट। तो ये वही एनर्जी है कि अपनी जो कमियाँ हैं या जो मुश्किल हालात हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखना है और आगे बढ़ना है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक जो है वो एक कुल्हाड़ी आई है, एक्स आई है, तो ये वही एनर्जी है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, जो नहीं सही है उनको कट ऑफ करो और जो सही है उनको अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर चलो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए फ़िश आई है, तो फ़िश जो है प्रॉस्पेरिटी को, धन को, बाकी सब चीज़ों को दिखाती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक एरोप्लेन आया, तो ट्रैवलिंग भी हो सकती है यहाँ पे। और लास्ट में आ रहा है एक की आई है विद अ आउल, तो विजडम को यूज़ करना है, ऐसा नहीं करना है कि विजडम को यूज़ नहीं करना है, आगे चलते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और आपको ये सीखना है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, किसी की बातों में नहीं आना है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं
कुछ सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। तेरे लिए प्रिंस मूवी का है और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अखियां गुलाब। अच्छा, तेरी बातों में उलझा दिया ऐसी कोई मूवी आई होगी तो उसका ये गाना है। ठीक है, तो देख लेना कौन सा गाना है ये। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।